हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको ले चलता हूँ गोविंद देव जी का मंदिर, जो कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। गोविंद देव जी मंदिर आने के लिए सबसे पहले हमें जयपुर में छोटी चौपड़ आ जाना है और उसके सामने ही रास्ता गुजरता है। उनके बाद में हमें यहाँ पर एक पार्क वगैरह है, उसकी तरफ हमें जाना है, जो कि यहाँ पर आप सामने देख रहे हो। ये हम पार्क के अंदर एंट्री कर रहे हैं अभी। इसके आगे यहाँ पर रास्ता जाता है तो हमें यहाँ पर कुछ बंदर वगैरह दिखाई दे रहे हैं, और इसके आगे हम अभी रास्ता है सीधा, इसी रास्ते से हम गोविंद देव जी मंदिर जाने वाले हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा पार्क है, जो कि यहाँ पर कुछ टाइम शाम को या सुबह यहाँ पर बहुत सारे लोग वगैरह यहाँ पर इकट्ठे रहते हैं। यहाँ से ये सीधा ही रास्ता हम जाएंगे। हमें रास्ता पूछते पूछते हमें आगे बढ़े हैं, तो अभी बारिश का मौसम भी है, काफ़ी बारिश भी होने वाली है ऐसा लगता है। गोविंद देव जी के मंदिर के अंदर राधा रानी और दो शक्तियों के संग गोविंद देव जी, जो कि भगवान कृष्ण और राधा की मूर्ति है, स्थापित है। देवालयों को तोड़ने के दौरान चंदनीय महाप्रभु के शिष्य शिवाराम गोस्वामी राधा रानी और गोविंद देव जी को वृंदावन से बैलगाड़ी में बिठाकर सबसे पहले सांगानेर के गोविंदपुर में पहुँचाए थे। तो हम फाइनली पार्क से होते हुए यहाँ पर ये मेन गेट है, जो गोविंद देव जी मंदिर की ओर जाता है। तो इस गेट के आसपास में बहुत सारी गाड़ी वगैरह इकट्ठी हो रखी है। शाम का टाइम है तो हम आए हैं, तो इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर हमने ये दूसरे गेट पे आ गए हैं, वो पहला गेट है और दूसरा गेट है यहाँ पर है, और इसके आगे हम चलते हैं अभी। तो आगे भी जो भी ये कृष्ण जन्माष्टमी में आई है, उसका उत्सव के लिए तैयारियाँ हुई थी, उनके बाद में हमने यहाँ पर आए तो वो पोस्टर वगैरह यहाँ पर लगा रखी, झंडी वगैरह। तो इसके आगे हम चलते हैं। इस तरह से कुछ रास्ता है, और इसके बाद में यहाँ पर बगल में बहुत सारी भीड़ वगैरह लगी हुई है। गोविंद देव जी के मंदिर में बहुत सारे भक्त लोग यहाँ पर आते रहते हैं और यहाँ पर भजन वगैरह करते हैं। यहाँ पर देखो कितनी भीड़ है, ये गोविंद देव जी का मंदिर है इस तरह से, और बहुत सारी यहाँ पर भीड़ है, सभी लोग यहाँ पर भजन कर रहे हैं, भगवान के नाम वगैरह ले रहे हैं। हम आपको दर्शन करा देते हैं अभी इसके वीडियो के थ्रू। यहाँ पर आप देख सकते हो, जो सामने ये दिख रही है आपको मूर्ति वगैरह, वही गोविंद देव जी की मंदिर है। मैं विराजमान गोविंद देव जी और राधा रानी की मूर्ति स्थापित है यहाँ पर। मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे भक्त लोग यहाँ पर खड़े हैं यहाँ पर। अब मैं आपको पास जाके पूरी तरह से आपको गोविंद देव जी के दर्शन करा देता हूँ। अभी हम आ गए हैं यहाँ पर, मैं आगे आ गया हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हो गोविंद देव जी का मंदिर में इस तरह से देखो, कृष्ण भगवान और राधा रानी और साथ में दो सखियों के संग विराजमान गोविंद देव जी का मंदिर। एक मिनट में कैमरा वापस आपको ऊपर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपने इस वीडियो के थ्रू गोविंद देव जी के दर्शन लाइव कर रहे हो देखो। तो इसी तरह से यहाँ पर मूर्ति वगैरह विराजमान है। आमेर नरेश मान सिंह प्रथम ने वृंदावन में राधा गोविंद का भव्य मंदिर बनवाने के बाद गोविंदपुरा को गोविंद देव जी के जागीर में दे दिया था। करीब 5000 साल पहले बनी गोविंद देव जी और पुरानी बस्ती गोपीनाथ जी की मूर्ति को करीब 480 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रूप में गोस्वामी सनातनी गोस्वामी आदि वृंदावन के गोमा टीले से निकाली गई थी। यह है गोविंद देव जी का मंदिर। इसके चारों ओर हम परिक्रमा देते हैं अभी, उनके बाद में जो भी भक्त लोग यहाँ पर आते हैं वो गोविंद देव जी के मंदिर के चारों ओर इसी तरह से परिक्रमा देते हैं। हमने भी परिक्रमा एक परिक्रमा लगा के फिर हम चलते आए, और इसके बगल में आपको ऊपर में तस्वीरें वगैरह और इस तरह से फूल पत्तियों की डिज़ाइन वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। और उनके बाद में यहाँ पर देखो कुछ ऐसे फोटोज वगैरह लगा रखी है, जिसपे जो भी भक्त लोग आते हैं हाथ वगैरह जोड़ते हैं। वो बाहर का कुछ माहौल ऐसे बड़े बड़े पिलरों पर इसको टिकाया गया है, आप देख सकते हो। तो बहुत ही पुराना मंदिर है यहाँ पर। एक बार एक अंग्रेज़ ने गोविंद देव जी के हाथ पे एक जो ऐसी घड़ी, पहले घड़ी चलती थी जो भी धड़कन से चलती थी, वो घड़ी गोविंद देव जी के हाथ के ऊपर बंधी तो वो घड़ी चलने लगी, तभी से गोविंद देव जी को आज भी घड़ी पहनाते हैं। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिए।
जय श्री कृष्णा, राधे राधे राधे।